अर्चना मैम, आज का दौर जो है वो मार्केटिंग का है। हमारे शो की मार्केटिंग अच्छी से हो रही है, इसलिए धड़ाधड़ स्पॉन्सर्स है। कभी कभी ऑडियंस में इतने लोग नहीं होते जितने स्पॉन्सर्स हैं हमारे। वाओ, गुड। अच्छा आप देखना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से साफ होते के बाहर आते हैं, ये तो ठीक है, हम समझ में आता है। प्रेस होके कैसे बाहर आ जाते हैं? आम आदमी को यही लगता है कि शायद प्रेस होके निकलेंगे यूं करके। अच्छा एड बनाने वालों को पता है लोग किसकी बात मानेंगे। आप कभी कभी देखना टूथपेस्ट की एड आते हैं ना, उसमें डॉक्टर को ले आते हैं। डॉक्टर आता है बड़ी स्पीड से, और ये डॉक्टर बना बंदा भी जो ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, आपके दांतों की सुरक्षा के लिए हमने चुना है खास टूथपेस्ट। और ये डॉक्टर पकड़ा तब जाता है जब अगली एड में ना जोड़ों के दर्द का पेशेंट बना होता ना। सीरियसली आर्टिस्ट होते हैं ये। दूसरी एड में बोल रहा है घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, अरे हाँ भाई हाँ। और फिर तीसरी एड में जाके दिखता है अक्षय कुमार से पिट रहा होता है कहीं बनियान पहन के। अच्छा कुछ टूथपेस्ट जो होते हैं वो ये दावा करते हैं कि आप ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत जो है वो पत्थर की तरह मजबूत हो जाएंगे। पर जानबूझ के ना बूढ़े आदमी से ऐड करवाते हैं, वो अखरोट तोड़ के दिखाता और ऐड तो हो गया, उसके बाद में वही बूढ़ा ना पोपले मुंह से गाली देकर जाता है। अच्छा कुछ चीजें ना हमें इमोशनल करके बेची जाती हैं। आप बहुत गौर किया होगा, जैसे माँ और देश का हवाला देकर ना, कि उनके स्लोगन ऐसे होते हैं, माँ की पहली पसंद, माँ के हाथ का बना, माँ का भरोसा, माँ का सुझाया, ये नहीं बताते कि किसकी माँ का। वरना वरना लोग जाके उसका बाप सुझाने पहले कि भाई ये क्या बिकवा रहे हो। अच्छा कुछ टॉयलेट साफ करने वाले ऐड ऐसे आते हैं, उसमें एक आदमी आता है बिना घंटी बजाए ना सीधा आपके घर में घुस जाते, बताइए आपका टॉयलेट है कितना साफ। अच्छा ऐसे एक बंदा आया दिनेश के घर में घुस गया, बताइए आपका टॉयलेट कितना, ये बैठा हुआ था कहते हट। अच्छा बर्तन साफ करने की ऐड आती है, उसमें एक लेडी आती है, खूबसूरत सी लेडी आती है ना, चिकने से बर्तन पे एक ड्रॉप डालती है, अब कितना आसान है बर्तन साफ करना, एक झटके में चिकनाई गायब, आपके हाथ भी रहे मुलायम। अच्छा जो लेडी बर्तन साफ करते हुए दिखाते हो, उसने जिंदगी में कभी कटोरी भी नहीं साफ की होती है, तो उसके हाथ तो मुलायम रहेंगे, पीछे से काम वाली बाइक घूर रही होती है, हाथ तो मुलायम रहेंगे तेरे, बर्तन तो साफ कभी किया ले नहीं है इसने, पति की जेबें साफ कर गई। अच्छा लोग कुछ ऐड को देख ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी कि कौन सी गाड़ी खरीदे, लेकिन अपने दास दादा ना ये गाड़ी खरीदने गए, सेल्समैन से पूछा कि किस तरीके की गाड़ी चाहिए आपको, कहते वो वाली चाहिए जिसकी चाबी लंबी हो, कान खो जाने में ना दिक्कत ना। अच्छा कुछ ऐड उनका पता नहीं चलता किस चीज की ऐड है, एक ऐसे लग्जरी कार आती है ऐसे लगता है गाड़ी की ऐड है, पर इसमें साथ भी निकलता है अच्छा सूट पहना, फिर लगता है शूटिंग शटिंग का ऐड होगा, फिर चार लड़कियां आती उड़ती हुई हैं, फिर लगता है परफ्यूम का ऐड होगा, उसका भी नहीं होता, फिर लड़कियां हाथ में रहती, व्हाट अ शेव, 10 रुपए का रेजर बेचने के चक्कर में इतनी गाड़ियां इतनी लड़कियां, सीधे सीधे अर्चना जी से संपर्क करें 500 रुपए में ऐड करें। अच्छा हर एक ऐड का ना एक टाइम होता है, अगर आपने गौर किया हो, आप देखना अगरबत्ती के ऐड हमेशा सुबह सुबह आएंगे, दोपहर में बर्तन और पंखे के ऐड आने शुरू हो जाते हैं, शाम को गर्म मसाले के ऐड आने लगते हैं, है ना, रात को बेडशीट के और उसके बाद हाजमे की गोली, और ये सब ऐड जब खत्म होते हैं रात 12:30 बजे एक ऐड आती है जिसमें हमारे सिद्धू भाजी ना इंग्लिश बोलने वाली किताब बेच रहे होते हैं, एक महीने में करूं मेरे जैसी फराटेदार इंग्लिश सीखो। अच्छा खुद को सीखते हुए 35 साल लग गए इनको। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा टैली शॉपिंग वालों को जो सामान बेचने की बड़ी जल्दी रहती है क्योंकि उनको ना सस्ता स्लॉट मिलता है, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि रात वाला स्लॉट सस्ता भी होता है लेकिन वो और सस्ते में निपटाना चाहते हैं, तो बड़े जल्दी जल्दी बेचते हैं, 2 मॉडल खड़े कर लेते हैं एक लड़का और लड़की, और हाथों में साड़ियां पकड़ी होती हैं ताकि दिखाने में भी टाइम ना जाए, उनका फिर बोलने का स्टाइल देखो, 5-5 मिनट में ना 5-5 साड़ियां हाथ में लेके ऐसे यूं बोल रहे, ये देखिए अलग अलग डिजाइन की 5 साड़ियां, स्टॉक में सिर्फ 10 ही रह गई हैं और सिर्फ 20 सेकंड का समय बचा, तो सोच क्या रहे हैं, एक साड़ी के दाम में 5 दोबारा नहीं मिलेगी, 15 सेकंड बचे, अभी फोन उठाइए, अभी कीजिए, इसके बाद मौका दोबारा नहीं आएगा, तो ये है जैसे दुनिया, और वो आपको प्रेशराइज कर देते हैं, तो रात को ऐड आता है ऊपर से आदमी वैसे दारू पी के लुंगी पहनने वाला आदमी 3 साड़ी ऑर्डर है, एक करना 15 सेकंड बचे हैं, मतलब अच्छा जो लोकल ट्रेन में बाम बेचते हैं ये अच्छे अच्छे मार्केटिंग वालों को फेल कर देते हैं कसम से, ये लाते एक बाम है उसे हर काम के लिए बेच देते हैं,
सर में दर्द, बदन में दर्द, घुटनों का दर्द, हर दर्द का इलाज ये बाम। अगर इनमें सामने को गंजा आदमी दिख जाए ना, इम्प्रोवाइज कर देते हैं। अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो सरसों के तेल में मिलाकर सर पे लगाएं, एक हफ्ते में सारे बाल वापस। कसम से इम्प्रोवाइज कर देते हैं, एक हफ्ते में सारे बाल वापस। अनुपम खेर से वापस किरण खेर बन सकते हैं। अरे फालतू में ऐसे बस में लोग बैठे हो ना, पीछे वाले को ऐसे दे, हाँ आया भाई साहब, उसको देख के आगे वाले भी ऑर्डर करते थे कि अच्छा पीछे वाले तो ले ही रहे हैं। मतलब इतने स्मार्ट होते हैं लोग। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो वैन लगा के ना आयुर्वेद की दवा बेच रहे होते हैं, ज्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं, पूरी इधर उधर दवाइयां ही होती, पूरा घिरा होता है आदमी, बेचारा झुका होता है, बेटा कमर की दर्द, कमर की रीढ़ की हड्डी सीधा कर देगी ऐसी दवाई है, सारी दवाइयां बेच के शाम को खुद उठने के लिए दो आदमी लगते हैं बेचारे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा ऐसे ना गलियों में अचार बेचने वाले आते हैं, वो रिकॉर्डिंग मशीन लगी होती है, आपने कभी नोटिस किया होगा, छोटे शहरों में ऐसी मशीन आती है, वो बड़ा खूबसूरत सा ड्रामा पेश करते हैं। एक ही आदमी होता है, वो ही लेडी की आवाज निकालता है, तो वो मतलब ऐसे होता है कि पता पता चल जाता है। तो ना आए अचार बेचने हैं, तो आगे ड्रामा देखो, उनका साइकिल पे मशीन भी लगी। अरे सुनीता क्या कर रही हो? मैं घर में अचार डाल रही हूँ। घर में अचार डाल रही हो? जब घर जैसा अचार बाजार में मिल रहा है तो अपने हाथ क्यों खराब कर रही हो? फिर लेडी की आवाज आती है, घर जैसा अचार, अरे हाँ हाँ, आगरा का मशहूर मंगत राम अचार। अच्छा फिर तो मैं आज ही ये अचार लेके आती हूँ। अरे कहाँ से लाओगी? शुद्ध देसी मसालों के जानकार मंगत राम से, और कहाँ से। बड़े नाटक होते हैं, उनके स्किल्स देखो आप कैसे होते हैं। अगर तो आपको जूता ढीला है, अरे मैडम सॉक्स के साथ पहनो ना चलेगा। तो अगर आपको टाइट आ गया, अरे चलेंगे तो इतना तो खुलेगा। वो बोलती नहीं फ्लेक्सिबल नहीं, अरे मैडम जूता पकड़ के ना ऐसे मरोड़ देते, ये देखिए मैडम इससे ज्यादा पैर तो नहीं मुड़ता है आपका, इतना ही मुड़ेगा। मतलब बेच के रहते हो। अच्छा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मेंबर बनाने पड़ते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग करनी पड़ती है, ये सबसे मुश्किल काम होता है, इसमें बेइज्जती भी थोड़ी होती है, ज्यादा ही होती है एक्चुअली। तो ऐसी नौकरी के लिए ना कंपनी ने मोटिवेशनल स्पीकर रखे होते हैं, जो सुबह सुबह आपको ऐसा लेक्चर देके भेजते ना कि 12 1 बजे तक तो आप निकल जाते हो, मतलब चल जाता है कि बंदे ने बोला है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो बोलते पूरा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अगर किसी दरवाजे पे आपकी बेइज्जती हो रही है तो किसने देखी, लेकिन जिस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे आपको पूरी दुनिया देखेगी, इसलिए अगले दरवाजे पे जाइए, अगले पे ना हो तो तीसरे पे जाइए, चौथे पे जाइए, 10, 20, 30, 100 दरवाजे कटकटाइए, क्योंकि तरक्की कभी भी पहले पे दरवाजे पे नहीं मिलती। दोस्तों अब्राहम लिंकन पूरी जिंदगी फेल रहे हैं, लेकिन आखिर में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। आप घर में लिंकन की फोटो लगाइए, एक दिन दुनिया आपकी फोटो घर पे लगाएगी। वो आदमी अब्राहम लिंकन, पता नहीं किस किस की एग्जांपल बेचना होता है उसको, 10 रुपए का साबुन उसका भर जाता पूरा। और मार्केटिंग है ये। अच्छा यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने कभी कभी कोई ना कोई ऐड देख के। जी ऑनलाइन शॉपिंग काफी करता था मैं पहले। अच्छा। और कुछ दोस्त लोग वगैरह पहले मेरे नॉर्मल, मैं सलून में नॉर्मल बाल कटाने जाता था, तो वो लोग बोले शंभू चलना यार, हम लोग बाल भी कटाएंगे और काफी सस्ते में कटाएंगे। ये भी ऑनलाइन कटते हैं? हाँ। क्या बात कर रहे हो? यस यस। मोबाइल में से कैंची निकलती है। ऑनलाइन बाल कैसे कटते हैं? ऐसा नहीं सर, बुकिंग करना होता है, एक टाइम स्लॉट देते हैं। अच्छा। वहाँ पे जाना होता है। ओके। जाने के बाद वो मस्त मतलब सुलाएंगे थोड़ा, ऐसे ऐसे बाल भी एकदम प्रॉपर कटिंग वगैरह करते हैं आपको? यस यस ऑफकोर्स। ऑनलाइन रहते उनको जरा अलग ही स्पेशल ट्रीट करते हो। कैसे आपके साथ सो जाते? ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, नहीं। तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या आपको, लोरी गाने वगैरह सुनाते? नहीं 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 नहीं, स्पेशल मतलब ऐसे गाल खींचते तुम्हारे क्या? नहीं नहीं, हम वहाँ गए तो मतलब पप्पी वगैरह लेते तुम्हारी? और मतलब स्पेशल और क्या होता है, मतलब तुम भी बाल कटवाने गए, दूसरे जो ऑन द स्पॉट जिन्होंने अपॉइंटमेंट लिया उनका भी बाल काटते हैं, तो स्पेशल क्या होता है? स्पेशल मतलब फटाक से पहुंच गए टाइम पे अपने और फिर बाल वगैरह कट गया। मतलब उसके बाद क्या करते हैं बाल वगैरह काट के? स्पेशल ट्रीटमेंट क्या? स्पेशल मतलब थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम वापस। नेक्स्ट टाइम वापस आना, बी हैप्पी। थैंक यू पर यार तुम बड़े मजेदार आदमी ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सर, शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो एवरीवन। हेलो माय नेम इज शिल्पी। अच्छा अच्छा सबको बोला सबको। जी एक्चुअली आई एग्री कि मार्केटिंग गिमिक्स की वजह से बहुत लोगों को बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जी बट मैं क्या करती हूँ,
सीजनल सेल्स के टाइम पर बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनर वेयर्स वगैरह आते हैं. अच्छा जी. तो जस्ट फंक्शन से पहले ऑर्डर कर लेती हूँ, पहन लेती हूँ, उसको पहन लेती हूँ, दुनिया को दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद रिटर्न कर देती हूँ. I am proud of you. So in short, वो लोग दुनिया को लपेटते हैं, मैं उनको लपेटती हूँ. शाबाश. ये वही लड़कियां हैं जो जाके ग्रीन रूम में ट्राई करती ना कि हाउ इज माय न्यू ड्रेस, बाद में चेंज करके वापस से. एग्जैक्टली शुक्रिया शिल्पी, थैंक यू.